व्हाट्सअप गाइस, मैं आपका फ्रेंड विकी, आपके अपने चैनल विकी की मैं आप सबका स्वागत करता हूं और मेरी तरफ से सत श्री अकाल आप सबको। दोस्तों, आज मैं करने वाला हूं रिएक्शन उस चीज़ पे जिस चीज़ का हर बंदे को बेसब्री से इंतजार होता है, और ये बहुत ही जरूरी है उन लोगों के लिए जिनके लिए एक प्लेन, पहली यात्रा और जहाज पे चढ़ना एक ड्रीम होता है। समटाइम्स क्या होता है कि आज के टाइम पे तो ना जो प्लेन है, हवाई जहाज है, वो मतलब रेगुलर यूज़ में लोग यूज़ लाते हैं, और क्योंकि उससे उसकी जो टिकट्स है वो नॉर्मल जो ट्रेन की फर्स्ट एसी की टिकट्स है उससे थोड़ी ही ज़्यादा होती है, बट आप इजीली प्लेन में जा सकते हो। बट बात यहाँ आती है कि काफ़ी लोग होते हैं जो अपनी पहली यात्रा को लेकर बहुत ही टेंशन में होते हैं, जिनको पता नहीं होता है कि कैसे जाना है, क्या करना है, क्या होता है एयरपोर्ट पर, क्या चीज़ें करनी होती हैं। तो दोस्तों, मैं आपको ये चीज़ का रिएक्शन करने वाला हूँ जिसमें आपको पता लगेगा कि अगर पहली यात्रा होती है तो उसमें क्या क्या चीज़ें जरूरी होती हैं, कहाँ पे चेकिंग होती है, कहाँ से बोर्डिंग होती है, कहाँ से सिक्योरिटी चेकिंग होती है, और कहाँ से आपको फ़्लाइट लेनी पड़ती है, और कहाँ से फ़्लाइट लेके सीट आपको मिलती है। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको पता लगने वाली हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, आज करने वाले हैं रिएक्शन, फर्स्ट फ्लाइट आप कैसे करें और उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, और आपको ओवरव्यू पूरा का पूरा इस वीडियो में मिलेगा। जो दोस्तों टाइम वेस्ट करते स्टार्ट करते हैं, उससे पहले वही एक चीज़, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और स्टार्ट करते हैं रिएक्शन। हियर वी गो। अगर आप फर्स्ट टाइम फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि आपको कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। इस वीडियो में हम यहाँ पे जो भी स्टेप्स हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, कंप्लीट प्रोसीजर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यही गाइड करूँगा कि अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं तो आप एटलीस्ट 2 घंटे पहले जो है फ्लाइट टाइमिंग से आप एयरपोर्ट पर पहुँच जाएँ, क्योंकि काफ़ी सारे जो है आपको यहाँ पे प्रोसीजर आपको फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे कि अगर आप एयरपोर्ट पर पहुँचेंगे तो आपको काफ़ी सारे एंट्रेंस गेट्स वहाँ पे दिखेंगे, तो वहाँ पे आपको सबसे पहले अपनी टिकट आपको शो करनी है। जो भी आपकी एयरलाइन की टिकट है आप उसको एज अ प्रिंटआउट लेके भी आप वहाँ पे शो कर सकते हैं, या आप अपने मोबाइल फ़ोन में जो आपकी ईमेल है उस पर भी आप जो है टिकट को शो कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको एक आईडी प्रूफ वहाँ पे शो करना होगा, और ये आईडी प्रूफ जो है गवर्नमेंट द्वारा इशूड होना चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या कोई भी गवर्नमेंट इशूड जो है आईडी प्रूफ है वो आप वहाँ पे शो कर सकते हैं। आपकी डिटेल्स वेरीफाई करने के बाद, जो भी आपकी फ़्लाइट है वो डिटेल्स वेरीफाई करने के बाद आपको एयरपोर्ट के अंदर एंट्रेंस मिल जाएगी। एयरपोर्ट पर एंटर करने के बाद आपको उस काउंटर पे जाना है जो भी आपकी एयरलाइन है। जैसे कि अगर मेरी एयरलाइन जेट एयरवेज की है तो मुझे जेट एयरवेज के काउंटर पे जाना है। काउंटर के पास ही वहाँ पे एक स्कैनिंग मशीन होगी, वहाँ पे आपको जो आपका हैवी लगेज है वो आपको स्कैन करवाना है। स्कैन करवाने के बाद आपको जेट एयरवेज के काउंटर पे जाना है, या अगर आपका कोई और एयरलाइन है तो आपको उस काउंटर पे जाना है। काउंटर पे जाने के बाद आपका जो वेट है लगेज का वो वहाँ पे मेज़र किया जाएगा। नॉर्मली 15 kg जो है लिमिट रहती है, और अगर जो है 15 kg से लगेज की लिमिट एक्सीड कर जाती है तो आपको कुछ रुपए पे करने पड़ते हैं एयरलाइन को। और इसके साथ साथ जो है आप यहाँ पे हैंड बैगेज भी ले जा सकते हैं, जिसकी जो लिमिट नॉर्मली रहती है वो 7 kg रहती है। और काउंटर पे आपको जो है आपको टिकट वहाँ पे शो करनी होगी। टिकट शो करने के बाद आपको एक बोर्डिंग पास मिलेगा जिसमें सारी डिटेल्स वहाँ पे लिखी होंगी कि आपकी फ़्लाइट जो है कौन से गेट नंबर से टेक ऑफ करेगी, और उस पर बोर्डिंग टाइम भी लिखा होगा। अगर आप जो है यहाँ पे फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं और आपके मन में काफ़ी क्रेज़ है कि आप विंडो सीट पर बैठें, तो आप जो है उनको बोल सकते हैं कि वो आपको विंडो सीट जो है प्रोवाइड करा दें। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप फ्लाइट से कम 2 घंटे पहले जो है वहाँ पर पहुँच जाएँ, ताकि आपको जो है विंडो सीट जो है वहाँ पर मिल जाए, और जो भी इसका बाहर का व्यू होगा, क्योंकि काफ़ी अच्छा व्यू होता है अगर आप जो है फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको काफ़ी अच्छा व्यू बाहर का देखने को मिलेगा, तो अच्छा होगा आप जो है विंडो सीट जो है लेके ही ट्रैवल करें। ये सारा प्रोसीजर कंप्लीट करने के बाद आपको एक सिक्योरिटी चेक से जो है गुजरना पड़ता है, जिसमें आपका जो हैंड बैगेज है वो आपका चेक किया जाता है। इसके साथ साथ आपकी बॉडी भी स्कैन होती है, और यहाँ पे अगर आपके पास लैपटॉप है, पावर बैंक है, तो ये आपके हैंड बैगेज में ही होना चाहिए, ये हैवी लगेज में नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप कोई सीजर, नाइफ, ये सारी चीज़ें अलाउड नहीं होती है, और अगर आप जो है सिगरेट वगैरह ले जाना चाहते हैं तो सिगरेट अलाउड होती है, बट माचिस वगैरह जो है ये चीज़ें अलाउड नहीं होती।
और अगर आपके पास लैपटॉप है तो आपको लैपटॉप एक अलग से ट्रे में निकाल के जो है वहाँ पे स्कैन करवाना पड़ेगा। और जब आप अपनी बॉडी स्कैन के लिए जाएंगे तो आपके पास बोर्डिंग पास के अलावा आपके पास कुछ भी नहीं होना चाहिए। वॉलेट भी अगर आपके पास है तो वो आपके बैग में या आपका अलग से ट्रे लेके आपको वहाँ पे स्कैन करवाना होगा। सिक्योरिटी चेक के बाद आपकी जो बोर्डिंग पास पे जो है वहाँ पे स्टैंप लगा दी जाएगी और जो भी आपका सामान होगा वो कलेक्ट करके जो है आप अपने गेट नंबर पे जा सकते हैं जहाँ पे आपकी फ्लाइट टेक ऑफ करेगी। ये जो गेट नंबर है ये आपके बोर्डिंग पास में मेंशन होगा। और अगर आपकी फ्लाइट दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से है तो आपको काफी दूर वहां पे चलना पड़ेगा क्योंकि गेट नंबर काफी ज्यादा है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, तो आपको काफी ज्यादा चलना पड़ता है। तो आप इन बातों का ध्यान रखें और टाइम पे जो है आप घर से निकलें ताकि जो आपकी फ्लाइट है वो वहां पे मिस ना हो। तो जैसे ही आप अपने गेट नंबर पे पहुंचेंगे तो वहां पे आप एक बार कंफर्म भी कर लें कि यहीं से आपकी जो है फ्लाइट टेक ऑफ करेगी। और काफ़ी बार जो है वहाँ पे गेट नंबर चेंज भी हो जाते हैं, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। जैसे कि जो मेरी लास्ट फ्लाइट थी वहाँ पे गेट नंबर चेंज हो गया था, तो आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपका गेट नंबर वही है जहाँ से फ़्लाइट टेक ऑफ करेगी। इसके बाद जो है वहाँ पे आपको कॉल करेंगे जो भी आपका बोर्डिंग टाइम होगा फ़्लाइट का। और यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जेट एयरवेज और एयर इंडिया की सभी जो फ़्लाइट्स हैं वो दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ करती हैं और जो इंडिगो और जो अदर एयरलाइंस हैं वो डोमेस्टिक एयरपोर्ट से जो है टेक ऑफ करती हैं। और इन चीज़ों का भी आप ध्यान रखें। और इसके अलावा जो है जैसे ही आप फ्लाइट के अंदर जाएंगे तो जो भी आपकी सीट नंबर मेंशन होगी आपके बोर्डिंग पास पे, आपको वहाँ पे जाके जो है वहाँ पे बैठना है। और इसके अलावा जो है आपको इंस्ट्रक्शंस वगैरह वो वहाँ पे डिस्प्ले करते हैं हर बार जब भी आप फ्लाइट पे जाएंगे। सीट पर बैठकर आप अपना मोबाइल फ़ोन का एयरप्लेन मोड उसको इनेबल कर लें और आप अपने मोबाइल फ़ोन को फिर यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास हैंड बैगेज है तो आप उसको ऊपर केबिन में रख सकते हैं। नॉर्मली फ्लाइट टेक ऑफ और जो भी है लैंडिंग करते वक्त आपको ज़्यादा फील होगा कि आप एयरप्लेन में बैठे हैं, जैसे आप ऊपर पहुंच जाएंगे एक हाइट पर तो आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा क्योंकि जो क्लाउड्स हैं वो बिल्कुल आपको स्टेबल लगेंगे कि कहीं मूव ही नहीं कर रहे। तो ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पे होती हैं। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होता है जब आप फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं। तो मैं आपको यही गाइड करूँगा कि अगर आपने अभी तक जो है फ्लाइट से ट्रैवल नहीं किया है तो आप बिल्कुल ट्रैवल करें। बस यही है कि आप जो है अपनी टिकट्स को एक पर्टिकुलर टाइम से पहले जो है वहाँ पे बुक कर लें तो आपको फ़्लाइट की टिकट जो है काफ़ी सस्ती पड़ेंगी। जनरली जो है मैं फ़्लाइट से ही ट्रैवल करता हूँ और ये मेरा 11th टाइम है जो मैं फ़्लाइट से ट्रैवल कर रहा हूँ। और काफ़ी लोग मेरे बारे में नहीं जानते होंगे तो जनरली मैं दिल्ली और चेन्नई के बीच में ही ट्रैवल करता हूँ या बेंगलोर, क्योंकि जो मेरी कंपनी है वो मैं अभी चेन्नई में काम कर रहा हूँ। और अगर आप जो है वहाँ पे वॉशरूम वगैरह जाना चाहते हैं फ्लाइट में तो आप जा सकते हैं, काफ़ी लिमिटेड स्पेस होता है जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। और अगर मैं आपको फ़्लाइट्स की बात करूं तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप जेट एयरवेज़ और एयर इंडिया को ही जो है यहाँ पे प्रायोरिटी रखें, क्योंकि और जैसे इंडिगो हो गई या स्पाइस जेट है उनकी सर्विसेज इतनी अच्छी नहीं है, इतनी कंफर्टेबल नहीं है। और इसके अलावा जो फूडिंग की फैसिलिटी है वो आपको जेट एयरवेज़ और एयर इंडिया में फ्री मिलती है, मतलब आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री जो है फूड वहाँ पे मिलता है जिसमें आपको वेज नॉन वेज ये सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाती हैं। चॉइसेस आप इसमें चॉइस करके जो है आपको फूड लेना है वो आप ले सकते हैं। अगर आप जो है कॉफ़ी या टी लेना चाहते हैं तो वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, जिसका जो चार्जेस है वो टिकट में ही इंक्लूड होता है। और लैंडिंग से पहले आपको काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शन जो है प्रोवाइड की जाती हैं। और जैसे ही जो है प्लेन लैंड करता है, लैंड करने के बाद आपको अनाउंसमेंट मिल जाती है कि आपका जो हैवी लगेज है वो आपको कहाँ मिलेगा, जैसे बेल्ट नंबर 4, 5, 1, 2, 3 तो जो है वो वहाँ पे अनाउंस करते हैं, तो आप जो है वहाँ से हैवी लगेज को जो है कलेक्ट कर सकते हैं। ओवरऑल काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहता है फ्लाइट से ट्रैवल करने के बाद। और अगर आप दिल्ली में रहते हैं मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप डायरेक्टली न्यू दिल्ली मेट्रो स्टेशन से डायरेक्टली एयरपोर्ट तक मेट्रो ले सकते हैं, काफ़ी कम जो है प्राइस वहां पे पड़ता है और आप काफ़ी जल्दी पहुंचेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल रिप्लाई करूंगा। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को भाई ने मतलब सारे पॉइंट्स ना कवर कर लिए हैं, हर चीज़ कवर कर लिया, मतलब कहाँ से जाना है, क्या करना है, कहाँ से बोर्डिंग होगी, कहाँ से गेट पे जाना है, ओवरऑल मतलब अगर आपको विंडो सीट चाहिए तो उसके लिए भी आपको पहले आना पड़ता है, ऑल के ऑल पॉइंट। अगर ये वीडियो आप देख लेते हो ना, ये रिएक्शन देख लेते हो, ये वीडियो देख लेते हो तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे दोस्तों, आपको पता लग जाएगा कि किस तरह से ट्रैवल करना है। तो दोस्तों इस तरह की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ, आप जानते हो आपका भाई यूनिक और एक्स्ट्रा वीडियो पे रिएक्शन करने के लिए जाना चाहता है। तो दोस्तों इस तरह की मैं रिएक्शन और भी लाऊंगा आपके लिए, उसके लिए आपको क्या करना है, अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलो दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो के साथ, बाय, टेक केयर, शुभ अपकमिंग।